एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइटिशियन लाइबा खाली। माय इंस्टाग्राम इज social.icon123 एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज का जो व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट लाइबा की गिफ्ट चूज करने है। पहले तो बाजार में मुझे बहुत टाइम लग गया लाइबा के लिए गिफ्ट चूज करने के लिए। फिर मैंने वो सोचा कि मुझे कुछ एफर्ट वाला कुछ अपने हाथ से बनाना चाहिए, कुछ उस पर एफर्ट लगनी चाहिए ताकि गिफ्ट भी अच्छा हो और अगले बंदे को पता चले कि आपने उसके लिए स्ट्रगल की, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके गिफ्ट बनाया। सो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं और मुझे लगता है कि दूसरों के लिए भी ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये मैटर करती हैं। खैर, बहुत सारी पिक्चर्स देखने के बाद, बहुत सारी कलेक्शन देखने के बाद मुझे एक ही पिक्चर पसंद आई और उसमें मुझे सेम एज थोड़े से लाइबा की बारात का थीम का टच आ रहा था। वो भी इस तरह के लाइबा का जो ड्रेस है बारात का वो रेड कलर का और भाई का जो ड्रेस है वो ब्लैक कलर का है। सो इस वजह से मैंने ये वाली पिक्चर चूज़ की। ठीक है, मुझे पता है वो पिक्चर सेम एज ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं बनेगी और ना ही एंड तक ऐसी बनेगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की और मैं भाई के ड्रेस में ज़रा कलर कर रही हूँ। और उनका कुल्ला जो है वो भी मुझे लाइबा ने बताया था कि वो भी रेड कलर का है, रेड मेहरून सा कलर था उनके लहंगे का। सो मुझे जैसे फिर लगा, क्योंकि मैंने ड्रेस की पिक्चर नहीं देखी हुई थी दोनों की, इसलिए पहले से ही माजरत, मैं इतनी अच्छी पेंटर या डिज़ाइनर या कुछ इस तरह का आर्ट मुझे नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी थी लेकिन मैंने उसके छोटे छोटे पार्ट कट करके इसको व्लॉग में ऐड किया ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और जल्दी से सारा पार्ट कवर हो जाए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने बेस लाइन भी, जो नीचे पीछे बैकग्राउंड था, वो भी कंप्लीट कर लिया था और पिंक कलर की मैंने पिंक से एक शेड दी है, पिंक कह लें या पीच कह लें, इस तरह की शेड दी है। अब वेरी नेक्स्ट डे है तो मैंने ये साइड के इसके जो बॉर्डर थे सारे वो मैंने ब्लैक कर दिए ताकि अगर कहीं लगाई भी जाए, वॉल पे लगाई जाए या कहीं रखी जाए तो उसकी जो वाइट पार्ट है वो बॉर्डर जो है वो ज़्यादा बुरे ना लगे। सो मैंने इसीलिए साइडों पे सारे ब्लैक कर दिए। जो मैंने सोचा था वो बस मैंने यहीं तक का सोचा था कि मतलब एक पिक्चर होगी और उसमें इस तरह मतलब एक दुल्हा और दुल्हन की पिक्चर ड्रॉ की होगी, पेंट की होगी, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाने की वजह से वो थोड़ा सी पिक्चर कंप्लीट नहीं लग रही थी। सो मैंने वहाँ पे थोड़े से फ्लावर्स ड्रॉ किए साइडों पे और वहाँ पे मैंने एक सर्कल पे ड्रॉ किया बट वो भी सूट नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने एक शेप ड्रॉ की, उसके अंदर मैंने लाइबा का नाम मेंशन किया और भाई का नाम मेंशन कर दिया और उनके स्पेशल डे के साथ मैंने डेट मेंशन कर दी ताकि जब भी वो कभी देखें या वो कहीं हैंग करें तो उनके सामने ये रहे और डेट मेंशन रहे और वो ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सो ये एक लुक आया था, ये मेरा फर्स्ट वाला गिफ्ट था जो कि ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया था। और सेकेंड गिफ्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो भी मैंने क्या मार्केट से जाके लिया था। सेकेंड जो गिफ्ट मैंने चूज़ किया वो एक क्लच है, क्योंकि पार्टी वेयर पे जाना पड़ जाता, दावतों पे, शादियों के बाद स्पेशली दावतें बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर जाना पड़ जाता, तो एक सिंपल सा मैंने क्लच चूज़ किया क्योंकि लाइबा को सिंपल चीज़ें पसंद है। और इसका बॉक्स नहीं था तो मैंने, मेरे पास एक स्टाइलो का बॉक्स न्यू पड़ा हुआ था तो मैंने उसी में शिमर सा ये कुछ डाल के, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि ये जो इस तरह के काम होते हैं वो मैं खुद से करूं ताकि अगले बंदे को पता चले कि कोई दूसरा बंदा आपके लिए एफर्ट करे। सो मुझे ये चीज़ें पसंद आती हैं कि कोई बात नहीं, डजेंट मैटर कि अच्छी पैकिंग नहीं हुई या कुछ भी, बट ये अच्छी पैकिंग हुई हो, आप देख लेना, ये मैं इतनी भी बुरी पैकिंग नहीं करती। खैर, मैंने ये ब्लैक कवर चूज़ किया है पैकिंग के लिए। पहले मैंने क्लच को पैक करना शुरू किया क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गई थी। वैसे तो मैंने सोचा था इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह करूँगी लेकिन लेट हो गई थी, मुझे निकलना भी था, मेहंदी भी है आज, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से ब्लैक दोनों को पैक कर दिए। दोनों को ही ब्लैक कवर मैंने चूज़ किया है पैक करने के लिए और उसके ऊपर मैंने एक रिबन लिया है, मैंने टाई किया है दोनों को और उसके ऊपर मैंने एक सर्कल में चार्ट से, वाइट चार्ट से काट के, क्योंकि ब्लैक और वाइट का कॉम्बो अच्छा लगता है। और मज़े की बात क्या कि मैं गिफ्ट से घर भूल गई थी और अब मैंने इसको वलीमे पर गिफ्ट दिए थे लाइबा को, और वलीमे वाले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह जो कि कल या परसों पोस्ट करूंगी, वलीमे वाले व्लॉग में मैं लाइबा का रिएक्शन भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह उसने वहाँ पे ये हॉल में गिफ्ट्स खोले और उसको कैसे लगे। होप सो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की कोई वीडियो और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपकी कोई फ्रेंड की बर्थडे है या फिर कोई शादी है तो आप मुझे तब भी बता सकते हैं। कोई आइडिया आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।
एक और बात, प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट तो लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।